नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी क्राइम फ्री जालौन की और एक और कदम। अवैध असलाह फैक्ट्री चालक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की असलाह फैक्ट्री से पुलिस ने कुछ बने हुए अवैध असलाह, कुछ अधबने असलाह और असलहों को बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम कुरहेना में मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त कार्रवाई में असलाह फैक्ट्री चालक भूरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त भूरा के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस तथा कुछ आज बने असलाह एवं असलहों को बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी कालपी आरपी सिंह ने मीडिया में खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त भूरा एक पेशेवर अपराधी है और इससे पहले भी वह अवैध असलाह फैक्ट्री चालन एवं सप्लाई के मामले में जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। प्रदेश स्तर पर श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत हमारे थाना अध्यक्ष आटा ने कल 27 तारीख को 7:15 बजे करीब ग्राम कुरोना में एक असलाह फैक्ट्री पकड़ी है और इसमें अभियुक्त शिव सिंह उर्फ भूरा पुत्र ईश्वरदास जो ग्राम कुरौना थाना आटा के निवासी है उसको गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। इस अभियुक्त के पास से एक देसी DBBL 12 बोर, एक तमंचा 315 बोर, एक अर्धनिर्मित तमंचा व तमाम तमंचा व बंदूक बनाने के कलपुर्जे व उनके उपकरण भी बरामद हुए हैं। और इससे पहले भी यह अभियुक्त दो बार गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, कितने सालों से ये अवैध फैक्ट्री वहाँ चल रही थी? अवैध फैक्ट्री की जानकारी तो अभी हुई है, लेकिन ये पता चला है कि इससे पहले भी वर्ष 2017 में और 18 में ये अभियुक्त एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले इसका कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, वर्ष 2017 और 18 में इसका आपराधिक इतिहास है, जो राठ हमीरपुर का भी है और हमारे जनपद जालौन का।